किराना स्टोर खोलने के लिए किन किन लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दुनिया एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है और केवल उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति है जिन्हें आवश्यक माना जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और किराना सुविधाएं। हमने पाया कि ऐसे माहौल में भी किराना स्टोर हमें जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। हम सभी के पास एक किराना स्टोर है जिसे हम जानते हैं कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। जब आप एक किराने की दुकान खोलने की सोचते हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि उसका निर्माण कैसे करें। यदि कोई भारत में कहीं भी छोटी दुकान शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार के साथ अपनी दुकान का नाम पंजीकृत करना जरूरी है। किराना स्टोर खोलने के लिए कुछ लाइसेंस और प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। इससे पहले कि आप एक किराना स्टोर खोलें, आपको उसके लाइसेंस और उनके आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किराना स्टोर के लिए कौन कौन से लाइसेंस जरूरी हैं और उसके लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। छोटी सी किराने की दुकान के लिए कानूनी प्रक्रियाएं। छोटी सी किराना दुकान खोलने के लिए आपको इन कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। FSSAI फूड रजिस्ट्रेशन। FSSAI के नियमों को पूरा करें और लाइसेंस नंबर लें। FSSAI की गाइडलाइन को पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा आहार स्वास्थ्य का आधार। आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर करके FSSAI का लाइसेंस ले सकते हैं। GST टैक्स रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपको अपने दुकान का GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। आप अपनी दुकान का GST रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड वेबसाइट से कर सकते हैं। लिंक ये है GST की ऑफिशियल वेबसाइट। और इसके लिए हमें इन दस्तावेजों की जरूरत होगी: आपका पैन कार्ड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, ID और एड्रेस प्रूफ, आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, बड़ी किराना की दुकान के लिए आवश्यक लाइसेंस। यदि आप अपनी बड़ी किराने की दुकान खोल रहे हैं तो आपको GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इसको आप गवर्नमेंट की GST के आधिकारिक वेबसाइट पर करवा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, पैन नंबर, आपकी कोई ID, एड्रेस प्रूफ आदि। किराना सुपरमार्केट के लिए आवश्यक लाइसेंस। अपने व्यवसाय को रजिस्टर करना एक जरूरी कदम है जो आप अपने बिजनेस को वास्तविक रूप देने के लिए उठाते हैं। आपको अपने किराना स्टोर को लीगल करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे प्राधिकरण से व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड सहित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के तहत पंजीकृत किया जाना है, जो कुछ नियम का पालन करता है, जिसका पालन हर दुकान के मालिक को करना चाहिए। आपको अपना सामान बेचने के लिए फूल लाइसेंस की जरूरत है, जिसके लिए FSSAI से अनुमति लेनी पड़ती है। FSSAI एक ऐसी संस्था है जो बाजार में बिकने वाले सामानों की खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। आपके टर्नओवर के आधार पर आपको परमिट लेने की आवश्यकता है। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आप GST पोर्टल पर ऑनलाइन जा सकते हैं और खुद को एक प्रोपराइटर या किसी अन्य व्यवसाय संरचना के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। यदि आप स्थानीय स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करके आप अपने व्यवसाय को GST के तहत पंजीकृत कर सकते हैं। आपके GSTIN को औपचारिक रूप से प्राप्त करने में 1 या 2 सप्ताह का समय लगता है। कुछ जरूरी दस्तावेज जिनकी आपको जरूरत होगी: पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने व्यावसायिक स्थान को पहचानने के लिए बिजली का बिल, वैध बैंक खाते के साथ बैंक स्टेटमेंट, पिछले कर रिकॉर्ड या TIT वैट के तहत स्थापना का प्रमाण पत्र। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बिजनेस आइडिया के लिए कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।